गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर को, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना आएगा लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड आज सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा आज लॉज ऑफ मोशन की। तो आज मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो लगाई जाए, या कह सकता हूं अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो लग रही है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। समझ रहे हो इस बात को? अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो लगाई जाए, नेट फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, फोर्स की बात नहीं हो रही है, नेट फोर्स कि आपने जितनी भी फोर्स लगाई है लेकिन बॉडी का रिजल्ट जीरो आया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, यानी एक्सेलरेशन बॉडी का जीरो है, तो उस समय यही बोलती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं लिखता हूं यहां पे, स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने बोला कि जो नेट फोर्स होती है बच्चों वो क्या होगी, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी नेट क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, F1, F2, जितने भी आप फोर्स लगा रहे हो उनका एवरेज यानी टोटल सम जीरो आना चाहिए। नेट का मतलब ही यही होता है, आप किसी भी बॉडी पर जितनी भी फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी पर लगाई गई फोर्स का नेट रिजल्ट जीरो अगर आया तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा, यही तो बोलती है। और अगर सोचो जरा इस बात को कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी अपना स्टेट कभी चेंज ही नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो? बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट। इस लाइन का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाना पसंद करेगी अगर नेट फोर्स उस पर जीरो लगाई जाए तो। इसी को तो बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गॉट इट? यही होती है ना, 9th में पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल यही बात है, वही बात मैंने यहां पर रिपीट करवाई है आपको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और बात बताना चाहूंगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है या नेट फोर्स जीरो होती है तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के वक्त भी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। जब ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या इस तरीके से कहो, ये बढ़िया तरीका है समझने का कि नेट फोर्स जब जीरो होगी तो बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर रेस्ट में है तो, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलना पसंद करेगी, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी। दिस इज द इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा यहां पे, अगर बॉडी की नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। न्यूमेरिकल में बड़ी योगदान है इस इक्विलिब्रियम, ये जो वर्ड मैंने बोला इक्विलिब्रियम, इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। क्लियर है? यानी जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा उस समय नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। याद रखना इस बात को, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं इससे रिलेटेड दो तीन आपको बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूं, बचे हुए न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो उसको करना नहीं चाहता, आराम से समझिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर आते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उस पर मैं आज न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे आपको देखिए जो नॉर्मल फोर्स मैंने करवाई थी वो समझ में आ जाएगी। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको समझाई थी जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। फिर मैंने आपको टेंशन फोर्स समझाई थी। टेंशन फोर्स किस में लगती है? स्ट्रिंग हो गई, चेन हो गई, रोड हो गई, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स में टेंशन लगती है। टेंशन एक तरीके की फोर्स ही होती है और टेंशन लगने की जो डायरेक्शन होती है, लगाने का जो तरीका होता है, अम्ब्रेला मेथड मैंने बताया था, जिस पॉइंट पर आप टेंशन लगा रहे हो उसके अपोजिट, वहां से अवे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अभी मैं आपको बताऊंगा इस डायग्राम में कि टेंशन की डायरेक्शन कैसे हम लेंगे यहाँ पे और किस तरीके से हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो फर्स्ट लॉ पर वो न्यूमेरिकल माना जाता है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, इस पर देखते हैं। देखिए एफबीडी बनाने की कंडीशन क्या थी? एफबीडी बनाने की कंडीशन ये थी कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो। दूसरा कंडीशन ये थी कि बॉडी पर लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करो, उस फोर्स को रिप्रेजेंट मत करो जो बॉडी दूसरी बॉडी पर लगा रही है। ठीक है, सिर्फ उस फोर्स को रिप्रेजेंट करना है जो इस बॉडी पर लग रही है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां देखिए, ये 5 kg, तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा 5g। समझ रहे हो? 5 kg, W इज इक्वल टू mg होता है, m कितना है 5 और g ग्रेविटी बड़ा। ठीक है, यहां पर टेंशन कितनी लगेगी? इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर बैठ के अम्ब्रेला खोल दीजिए तो टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, इसको मैं नाम देता हूं T। इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर बैठ के अम्ब्रेला खोल दीजिए नीचे की तरफ। दोनों टेंशन सेम होगी। वाई? क्योंकि मैंने बोला था जब स्ट्रिंग सेम होती है ना तो टेंशन भी सेम होती है। इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी? यहां बैठ के अम्ब्रेला खोल दीजिए, यहां पर टेंशन बिल्कुल अलग होगी, दैट इज T1। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट हो गई, यहां स्ट्रिंग अलग है, यहां स्ट्रिंग अलग है। क्लियर है? करें स्टार्ट। चलिए एक और बात मैं बताऊंगा, इस बॉडी का वेट भी तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस बॉडी का वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, W इज इक्वल टू mg, m कितना है 2 और g। तो अब ये डायग्राम जब आप कंप्लीट कर चुके हो, अब आपको बनाना है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, इन दोनों मास बॉडियों का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान से देखिएगा, यहां सबसे पहले मैं 2 kg का बनाता हूं। यहां पर देखिए कि इस पर कितनी टोटल फोर्स लग रही है। टेंशन नीचे की तरफ लग रही है, दैट इज T। इसके अपोजिट डायरेक्शन में T1 लग रही है, T1। नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रही है, इसी बॉडी पर नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रही है, दैट इज वेट, वेट दैट इज W इज इक्वल टू 2g। क्लियर? इस बॉडी का FBD बनाओ, दैट इज 5 kg, ये 2 kg का था, ये 5 kg का बना रहा हूं मैं। नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है, दैट इज 5g, ऊपर की तरफ ये टेंशन लग रही है, दैट इज T। बस यही दो फोर्स लग रही है इस बॉडी पर। अब देखिए सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर है। इसका मतलब यही है, जब बॉडी का बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ऊपर जितनी फोर्स इसको खींच रही है उतनी फोर्स इसको नीचे खींच रही है, जबकि बॉडी अपनी पोजीशन से हिल नहीं रही है। इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या हो जाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या इक्वेशन बनेगी? दैट इज T प्लस 2g। ठीक है, और इस बॉडी के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी? दैट इज T इज इक्वल टू 5g। देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर T की वैल्यू देखिए, G की वैल्यू 10 होती है, तो T यहां से कितना आ जाएगा? दैट इज 50 न्यूटन। T की वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो T1 कितना आएगा? T की वैल्यू जब आप यहां पे रखोगे तो T की वैल्यू यहां से 50 प्लस 2g, G की वैल्यू 10, 10 टू 20, T1 कितना आया? दैट इज 70 न्यूटन। दोनों टेंशन आप निकाल चुके हो। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग पर 50 न्यूटन और इस वाली स्ट्रिंग पर 70 न्यूटन, क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग पर ये दोनों बॉडियां नीचे की तरफ हैंग हो रखी है, तो इस पर ज्यादा खिंचाव आएगा, इस स्ट्रिंग पर कम खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, BOD FBD डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए बस। एक तो न्यूमेरिकल और देखते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको।
दिस इज अवर सेकेंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इक्विलिब्रियम स्टेट का सेकेंड न्यूमेरिकल. ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको ये डायग्राम बनाना ना चाहिए. आपको इस बॉडी पर, जो भी मैं बॉडी लेता हूं, जो भी स्ट्रिंग में लेता हूं, वहां पर आपको है ना हर एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. रिप्रेजेंट करना आ गए, उसके बाद एफबीडी बनाना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए. अगर आप यहीं पे अगर कोई भी फोर्स छोड़ दी जाए ना, गलती से छूट जाए या आपको ध्यान ना रहे, तो एफबीडी पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा वो. तो ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल पे, इस डायग्राम में दो स्ट्रिंग है हमारे पास. तो यहाँ पे टेंशन वेंशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना सीखिए, ठीक है. तो देखते हैं, ये 5 केजी का एक ब्लॉक है जो यहाँ पे हैंग कर रखा है. तो देखिए कितने प्रकार की फोर्स यहाँ पे लग रही है. तो सबसे पहले तो इसका वेट W इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ लगेगा, जो कि 5g हो जाएगा. इसका मतलब समझते हो आप? देखो W इज इक्वल टू mg का मतलब क्या होता है? m जो होता है ना, ये मास होता है, और g ग्रेविटी होती है, ये होता है टोटल वेट. g की वैल्यू 10 होती है, 50 बन जाएगा. अब देखिए यहां पर बैठकर अम्ब्रेला खोलोगे तो इस तरफ लगेगी टेंशन, दैट इज T1. और यहां पर बैठ के अम्ब्रेला खोलोगे तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट यहां लगेगी T1. एक ही स्ट्रिंग है तो दोनों टेंशन बिल्कुल सेम लगेगी. क्लियर? यहां पर बैठ के अम्ब्रेला खोलोगे तो अवे पॉइंट द पॉइंट, इस पॉइंट से अवे जाती हुई टेंशन लगेगी, दैट इज T2. क्योंकि स्ट्रिंग अलग हो गई तो टेंशन भी अलग होगी. वर्टिकल एक्सिस के साथ 37 डिग्री का ये एंगल बना दिए, ये वाली हमारी स्ट्रिंग. तो अब हमें क्या करना है? एफबीडी डायग्राम बनाना है और इसको सोल्व करना है. 37 डिग्री देखते हैं, आपके माइंड में एक बात याद आनी चाहिए. वेक्टर एलजेब्रा में मैंने 37 डिग्री और 53 डिग्री का एंगल को एक्सप्लेन करवाया था. 37 और 53 में एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए इस तरीके का. अगर ये 37 है तो 3 4 5 वाला बनेगा, और 53 है, अगर ये 53 है तो 4 3 5. बड़ा छोटा एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड लेनी है, ठीक है. तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो फिजिक्स में, ठीक है, प्लस वन के लेवल पे. तो 53 का यहाँ कोई रोल नहीं है, 37 का है, वो मैं ले चुका हूं. बात करेंगे तो किस तरीके से आप इसको करोगे. देखिए भाई, इसको ध्यान से करिए. एफबीडी बना रहा हूं, ये मैंने ले लिया पॉइंट मास, इस 5 केजी का एक पॉइंट मास ले लिया, ठीक है. इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है हमारी 5g, इस तरफ फोर्स लग रही है T1, ये फोर्स लग रही है T1, इस तरफ फोर्स लग रही है T1, इस तरफ फोर्स लग रही है T1, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T2, ये फोर्स लग रही है हमारी T2. अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल 37 है. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी 37 बढ़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा? 37 डिग्री. क्लियर है? ये टेंशन इधर लग रही है, ये हो गई. ये टेंशन उधर लग रही है, तो ये हो गई. वेट नीचे लग रहा है, नीचे हो गया. ये T2 ऊपर लग रही है, ऊपर हो गया. ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37 हो गया. यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब आगे क्या करना है, जरा पोज करके सोचिए. देखिए इस न्यूमेरिकल में सोचा आपने क्या करोगे, ध्यान से देखिए. T2 की यह डायरेक्शन है. एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर हल्की सी मिस्टेक हुई है कि ये जो T1 है ये बॉडी पे लग रही है, तो हमें तो वही फोर्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है जो बॉडी पे लग रही है. ये T1 जो लग रही है वो तो स्प्रिंग पर लग रही है, तो ये T1 लेने की हमें जरूरत नहीं है. यहां पे आराम से कीजिए. अब देखिए, मैं T2 को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना चाहूंगा. T2 का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट एंगल बना रहा है 37, तो ये हो जाएगा T2 cos 37, और ये हो जाएगा T2 sin 37. क्लियर? अब कुछ नहीं करना, जैसे ही मैंने कंपोनेंट को तोड़ा, ये T2 खत्म हो गया बीच का, क्योंकि हमें तो ये और ये लेके चल रहे हैं. अब हमारा ये काम आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन. जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगी और ये फोर्स इस वाली फोर्स के बराबर हो जाएगी. सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी तो होता है जब अपोजिट फोर्स क्या होती है, सेम. तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, इस देखिए, एक इक्वेशन तो हमारी बन गई T1 = T2 sin 37. T1 किसके बराबर हो जाएगा? T2 sin 37. sin 37 की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं. sin 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5. तो T1 हो जाएगा T2 × 3/5. ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. हमें T1 और T2 को फाइंड आउट करना है. चलिए दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है यहां पे, T2 cos 37 = 5g. T2
कोस 37 की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां से। कोस 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 बाई 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 50। जे की वैल्यू 10 होती है, 10 5 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कितनी वैल्यू आती है आपके पास यहां पे। आराम से देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं, 37 कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 बाई 5, 5g, ठीक है। T2 की ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, आपके पास T1 आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो T1 कितना आ जाएगा, दैट इज 250/4 इनटू 3/5, ए 5 से 5 कैंसिल आउट, तो T1 आ जाएगा यहां पे 150/4, और T2 कितना आया, 250/4, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। दोनों इक्वेशन आप इक्विलिब्रियम कंडीशन से आप इक्वेशन बना सकते हो, और इक्वेशन तभी बनेगी अच्छी जब आपको हर एक फोर्स रिप्रेजेंट करना आएगा। हर एक फोर्स रिप्रेजेंट करना आ गया, उसके बाद एफबीडी बनाओगे आप। एफबीडी बनाने से आप टेंशन इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। आराम से देख लीजिए, फिर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 37 और 53 ये दोनों ही एंगल याद रखना हमेशा फिजिक्स में, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, 3 4 5 37 बनाता है, और 4 3 5 53 डिग्री का एंगल बनाता है, क्लियर है। दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल, एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको। साइन 37 3/5 होता है, क्लियर है। T1 इज इक्वल टू T2 37 एंड T2 cos 37 अपॉन 5g, T2 cos 4/5 एंड 5g 250/4, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सेकंड न्यूमेरिकल। तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं आपके टेंशन के स्ट्रिंग के केस में, और न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया। इन दोनों न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एफबीडी बनाने से पहले आपको टोटल फोर्स इस बॉडी पर जो भी लग रही है ना, वो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। दो न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में इसीलिए करवाया हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इसको कर रहे हो, तो आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम आपको करवाएंगे, स्ट्रिंग के हो गए, ब्लॉक्स के हो गए, इंक्लाइंड प्लेन वगैरह के, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए किस तरीके से टेंशन वेंशन लगती है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। जिसने भी टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वीडियो नहीं देखा हो, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, अच्छी तरह से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।